डिजिटल इंडिया अभियान के बारे में आम जनता का मानना है कि डिजिटल इंडिया अभियान से घर द्वार पर आम जनता को सुविधा मिलने से आम जनता लाभान्वित हुई है। इस बारे में केंद्रीय सूचना केंद्र बिलासपुर में कार्यरत आईटी तकनीकी सहायक अभियंता मीना उपाध्याय ने बताया कि सरकार का ये लक्ष्य है कि आम जनता डिजिटल अभियान से जुड़कर लाभान्वित हो सके। इस विषय के प्रति केंद्रीय सूचना केंद्र गंभीरता पूर्वक विभिन्न स्तरों पर डिजिटल अभियान को सफल बनाने के प्रति सेमिनारों का आयोजन कर रहा है। डिजिटल अभियान के बारे में आम जनता का ये कहना है कि डिजिटल इंडिया अभियान के आम जनता तक पहुंचने से सरकारी कार्यालयों में जहां भीड़ कम हुई है, वहीं पर सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर काटने से भी आम जनता को निजात मिली है। बिजली, पानी व बैंक से संबंधित कार्य सुलभता से लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से निपटा लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अभियान देश भर में आरंभ किया था, जो कि आम जन तक पहुंचने से साकार हुआ है, जिसके प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। मंडी जिले के विकास कार्यों से जुड़ी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सभी घोषणाओं को प्राथमिकता पर अमली जामा पहनाएं। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जिले में किए विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और भूमि पूजन के काम तय समय में पूरा करेंगे। ये बात उन्होंने DRDA सभागार में मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व भूमि पूजन से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उपायुक्त मंडी ने जिला से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं, शिलान्यास और भूमि पूजन से जुड़ी एक एक परियोजना का बिंदुवार ब्यौरा लिया, सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, अधिकारियों से उनके विभाग से जुड़ी परियोजना में क्या काम हुआ है, क्या शेष है, इसे लेकर जानकारी ली, परियोजनाओं को पूरा करने की समय अवधि पूछी, काम में तेजी लाकर तय समय में इन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। कुछ परियोजनाओं के कार्यों को पूरा करने में पेश आ रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। अधिकारियों को विकास कार्य को समयबद्ध पूरा करने को कहा। विकास कार्य की प्रगति को लेकर वस्तुस्थिति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। कहा, समीक्षा बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित होगी, ताकि परियोजनाओं को लागू करने में आने वाली अंतर विभागीय समस्याएं सुलझाकर कार्यों को गति दी जा सके। जन कल्याण की ये परियोजनाएं शीघ्र जनता को सौंपी जा सके। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेल एवं युवा सेवाएं, स्वास्थ्य, हिमुडा और विद्युत बोर्ड सहित अन्य सभी विभागों के मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उपायुक्त ने इसके अलावा योजना विभाग से जुड़े कार्यों का जायजा भी लिया। अधिकारियों को विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सौंपने को कहा। विभिन्न विकास कार्यों के लिए दिए धन को सही तरीके से इस्तेमाल करने और जिन कार्यों में लंबे समय से धन उपयोगी है, उसे लौटाने के निर्देश दिए, ताकि ये पैसा विकास के किसी और काम के लिए दिया जा सके। जहां विकास के नए काम पूरे हो गए हैं, वहां कार्य की लागत सहित परियोजना की जानकारी वाला बोर्ड लगाएं, ताकि लोगों को परियोजना के बारे में पता चल सके। उन्होंने ई समाधान पोर्टल पर दर्शाई जन शिकायतों को प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देश दिए। कहा, अधिकारी पोर्टल पर दर्शाई जन शिकायतों पर व्यक्तिगत ध्यान दें, अपने विभाग से जुड़ी लंबित समस्याओं का समाधान तय करें, ई समाधान पर जनमंच की समस्याओं को तय समय में निपटाएं, पोर्टल पर समस्या का निपटारा दर्शाने से पहले समाधान की गुणवत्ता तय करें। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांडा, SDM सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
शूलनी ऑटो यूनियन ने बिना सरकारी अनुमति के किराए दुगने कर दिए हैं। लोगों को थोड़ी दूर के लिए कम से कम अब 10 रुपए देने पड़ेंगे, जिसके चलते लोग इस बढ़े हुए किराए के विरोध में आ गए हैं। लेकिन जिला प्रशासन इस समस्या का कोई हल निकाल नहीं पा रहा है। कार्रवाई के नाम पर अधिक किराए वसूलने वाले ऑटो चालकों के चालान तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑटो चालक अपनी मनमानी पर अड़े हैं और कम किराया लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि बात जो भी हो, लेकिन खामियाजा आखिरकार आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। शहरवासियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ऑटो चालक मनमानी तो कर रहे हैं और थोड़ी ही दूरी के लिए 5 की बजाय अब 10 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिसका सीधा असर विद्यार्थी और गरीब जनता पर पड़ रहा है। यहां तक कि वे पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। इसलिए उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द किराए पर नियंत्रण करें, ताकि आम जनता की जेब ढीली ना हो। गौरतलब है कि शूलनी ऑटो चालक जबरन वसूल रहे दुगने किराए पर आतुर हो चुके हैं। इस मनमानी के आगे जिला प्रशासन भी बिल्कुल लाचार दिख रहा है। कार्रवाई के नाम पर चालान करके इतिश्री कर दिया जा रहा है, लेकिन कोई पुख्ता कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि ऑटो चालक अपनी मनमानी का किराया भी वसूल रहे हैं।